नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बॉयलर में जो स्टीम एंड वाटर सिस्टम होता है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब स्टीम एंड वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बॉयलर है वो 68 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका प्रेशर है और 500 डिग्री सी का टेम्परेचर है। ओके, तो इस पर ये डिज़ाइन ये बॉयलर, तो इसमें जो आपका डायरेक्टर का जो प्रेशर है वो अराउंड आपका 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 140 डिग्री सी रहता है। ठीक, तो डायरेक्टर से ये आपका जो BFP है ये BFP सक्शन लेता है, दो BFP है इसमें, BFP 1 एंड 2। ठीक, BFP से ये सक्शन लेता है और इधर से ये होके आपका इधर आता है फीड रेगुलेटिंग स्टेशन। ओके, ये आपका फीड रेगुलेटिंग स्टेशन। इसमें जो आप देख रहे हैं ये तीन तीन लाइन लगी हुई है। ठीक, तीन तीन मतलब तीन अरेंजमेंट है इसमें। तो ये जो पहला है आपका ये 30% कंट्रोल वॉल है, ये आपका 100% कंट्रोल वॉल है और ये इसका बाईपास है। ठीक, तो 30% कंट्रोल वॉल का हम यूज़ कब करते हैं, जो 30% यूज़ का जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं तो उस टाइम पे स्टार्टिंग टाइम में हम क्या करते हैं 30% कंट्रोल वॉल का यूज़ करते हैं। मतलब जब तक हमारा जो लोड है वो 30% से ऊपर नहीं चला जाता है, फिर मान लीजिए कि 20-25% तक लोड रहता है, उस पीरियड तक हम 30% कंट्रोल वॉल का यूज़ करते हैं पानी लेने के लिए। ठीक ना, मतलब कि आपका बॉयलर में पानी लेने के लिए उस टाइम तक हम 30% वाले कंट्रोल वॉल का यूज़ करते हैं। ठीक, आपका जैसे ही धीरे धीरे लोड बढ़ने लगता है उसके बाद हम उसको चेंज ओवर करके हम आपको इसका मतलब 100% कंट्रोल वॉल पे ले आते हैं। ठीक ना, इसमें हम देख सकते हैं एक ही आपका मैनुअल आइसोलेशन वॉल्व है, दोनों में, इसमें भी एक मैनुअल आइसोलेशन वॉल्व और एक आपका कंट्रोल वॉल है। ठीक, तो एक आपका 30% है, एक 100% है और ये एक इसका बाईपास है। इनकेस अगर मान लीजिए इसमें आपकी कोई इमरजेंसी आ गई तो उस कंडीशन में हम ये बाईपास वाले से पानी लेंगे। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका ये, देखिए आप देख सकते हैं ये इकोनोमाइज़र का आइसोलेशन वॉल है, इको आइसोलेशन वॉल। ठीक, तो मतलब आपको आगे पानी लेने के लिए हमें इस वॉल को भी ओपन करना पड़ेगा। ये आपका इको आइसोलेशन वॉल है और ये आपका इकोनोमाइज़र है और ये रहा आपका इको वेंट। स्टार्टिंग में जब हम वाटर फिल करते हैं सिस्टम में उस टाइम पे हम इसको भी वेंट, हमें वेंटिंग करना पड़ता है इको का, ताकि इसमें जो भी कुछ आपकी एयर, आपकी मतलब एयर कैप्चर हो गई हो वो एयर निकल जाए यहाँ से। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ से आपका जाके इधर ये फिर ड्रम में मिल जाता है। ओके, तो हम एक बार इसका टेम्परेचर देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कितना देखा था कि डायरेक्टर में कितना है 140 डिग्री सी। ठीक, तो हमारा जो बॉयलर डिज़ाइन है ये 500 डिग्री सी एंड 68 केजी के हिसाब से है, इसी हिसाब से हम देखते चलेंगे कहाँ पे हमारा कितना टेम्परेचर आएगा। ओके, तो मान लीजिए ये 140 डिग्री सी है। अभी मैं यहाँ पे HP हीटर नहीं बनाया हूँ, कई जगह मतलब प्लांटों में HP हीटर भी लगा रहता है, तो HP हीटर अगर लगा रहेगा, मान लीजिए वो HP हीटर BFP के बाद होता है, तो मान लीजिए मैं इधर एक साइड यहीं पे बना देता हूँ, मान लीजिए अगर HP हीटर है यहाँ पे, ठीक, तो HP हीटर रहेगा तो आपका 140 डिग्री सी इसका भी जो BFP का डिस्चार्ज टेम्परेचर आएगा वो भी 140 डिग्री सी ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे HP हीटर के बाद उसका ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, अराउंड 10 डिग्री सी बढ़ता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारा HP हीटर नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे हमारा HP हीटर नहीं है। ओके, तो क्या होगा कि जो आपका 140 डिग्री सी है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा आपका 140 डिग्री सी। ठीक, इको इनलेट पे। और जो आपका इकोनोमाइज़र में क्या होता है, आपका इकोनोमाइज़र में आपका हीट एक्सचेंज होता है। ठीक, आपका पानी इधर से ऊपर साइड में जा रहा है और जो फ्लू गैस है उधर से ऐसे नीचे साइड में आ रही है। ठीक, तो जो इकोनोमाइज़र में है वो वाटर का टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सी तक बढ़ता है। ठीक ना, 100 डिग्री सी, तो ये वहाँ पे 140 है तो ये इधर में आके आपका कितना हो जाएगा, 140 से आपका हो जाएगा 240 डिग्री सी। ठीक, इकोनोमाइज़र में कितना टेम्परेचर बढ़ा, 240 डिग्री सी। ठीक, केवल यहाँ पे हम सेंसिबल हीट देते हैं वाटर को। ठीक ना, सेंसिबल हीट देते हैं और इससे क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए इस फ्लू गैस की हीट को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर ये आपने 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ाया होता तो आपको इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑल फ्यूल देना पड़ेगा आपको फर्नेस में। तो ये आपका जितना 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जितना फ्यूल देना पड़ता वो फ्यूल आपका बच गया इकोनोमाइज़र में। ठीक, इससे आपकी इफ़िशेंसी भी इंक्रीज होती है बॉयलर की। ओके,
तो यहाँ से ये गया आपका बॉयलर में, ठीक, बॉयलर में गया, बॉयलर से ये आपका ये जो दो लाइन दिख रही है आपकी, ये है आपका डाउन कमर, इधर लिख देता मैं इसको डाउन कमर, ओके, ये डाउन कमर। इसमें क्या होता है आपका, इधर से पानी आया, ठीक, तो इसमें तो क्या है कि हमारा आधा पानी से भरा रहता है ड्रम और आधा आपका स्टीम से रहता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर रहता है, वाटर यहाँ से डाउन कमर से होके सर्कुलेट होते रहता है, और जो स्टीम है, स्टीम यहाँ से बाहर निकल के चली जाती है, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए इसमें अपने ड्रम तक पानी आ गया, ड्रम से आपका डाउन कमर से इधर से आएगा, और ये नीचे आपका रिंग हेडर लगा हुआ है, ठीक ना, फर्नेस के नीचे रिंग हेडर होता है, ठीक। रिंग हेडर जो होता है वो आपके सारे जो वाटर वॉल होता है ना, वाटर वॉल से कनेक्ट होता है रिंग हेडर, ठीक। तो ये दोनों साइड से आपके डाउन कमर से पानी आया और ये आपके रिंग हेडर में गया, रिंग हेडर से फिर क्या होता है आपका वाटर वॉल में जाता है, ठीक, वाटर वॉल में जाता है, और वाटर वॉल से क्या होता है आपका फिर ये इवोपोरेटर्स ट्यूब, ठीक, इवोपोरेटर्स या फिर राइजर ट्यूब भी बोलते हैं इनको, राइजर ट्यूब, ठीक। तो आपका वाटर वॉल से कहाँ जाता है, राइजर ट्यूब से होते हुए फिर अगेन आपका इसमें क्या जाता है आपका वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर जाता है, ठीक है। आपका राइजर ट्यूब में क्या रहता है, वाटर में स्टीम का मिक्सचर जाता है आपका कहाँ, अगेन ड्रम। आपका फर्नेस में क्या होता है, आपका जो डाउन कमर से पानी आ रहा है ड्रम से होते हुए, वो यहाँ से ये जो आपका ये वाला पोर्शन, ये आपका रिंग हेडर है, रिंग हेडर से क्या होता है आपका, रिंग हेडर जो होता है आपके सारे वाटर वॉल और इवापोरेटर से जुड़े होता है, ठीक ना। और इवापोरेटर ट्यूब्स के बाद क्या होता है आपका राइजर ट्यूब्स होता है, ठीक, ये राइजर ट्यूब्स है, राइजर ट्यूब से अगेन आपका राइजर ट्यूब में क्या जाता है, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर जाता है, जो कि अगेन आपका ड्रम में जाता है, ठीक। तो क्या होता है ना कि जब आपका ये पानी आ रहा है फर्नेस में, तो इसमें क्या होता है कि आपका फर्नेस में तो हीट है, तो उस हीट को वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो वेट स्टीम बन जाता है, ठीक ना, वेट स्टीम बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो स्टीम बनता जाता है, तो उसकी क्या होती है कि जो स्टीम की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक ना। तो स्टीम की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक, वाटर की ज़्यादा होगी और स्टीम की कम होगी, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्टीम ऊपर उठते जाता है और आपका पानी नीचे आते जाता है, तो ठीक क्या होता है, तो इसमें आपका स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर जाने लगता है, और यहाँ पे जो वाटर रहता है वो तो ज़्यादा डेंस होता है, मतलब ज़्यादा डेंस होता है तो क्या होगा, वहाँ से ही वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो ये आपका नेचुरल सर्कुलेशन वाला प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, और आपका जो वेट स्टीम है वो ड्रम में पहुँचते रहता है, और यहाँ से सेपरेट होकर फिर वो आगे निकलते रहता है, ठीक। तो मेन यही प्रोसेस होता है, मेन आपका जो फर्नेस में हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऐड करते हैं, ठीक। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि आपके बॉयलर में कभी प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक, बॉयलर हम केवल टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक। जो भी आपका प्रेशर इंक्रीज़ होना रहता है वो आपका बीएफपी में ही होता है, ठीक ना, केवल बीएफपी में ही होता है, ठीक। आप कभी भी देखेंगे तो जो आपका बीएफपी का डिस्चार्ज प्रेशर होता है ना, उससे जो आपका एमएस का टेम्परेचर होगा वो हमेशा कम रहेगा, एमएस का टेम्परेचर, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपका बॉयलर में आपका अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता तो क्या होगा कि प्रेशर आपके बीएफपी का डिस्चार्ज प्रेशर से बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आप कभी भी चेक करिएगा, जो आपका बीएफपी का डिस्चार्ज प्रेशर है उससे हमेशा आपका एमएस प्रेशर कम रहेगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि बॉयलर में कभी प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता है, बॉयलर में हम केवल टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ओके। तो ये रहा बात, तो यहाँ से आपका क्या होता है, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर आपका बॉयलर ड्रम में गया, ड्रम से फिर क्या होता है, सेपरेटर लगा होता है यहाँ पे, सेपरेटर से जैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है, ड्रम में आपका स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर है, तो स्टीम क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से आपका स्टीम सेपरेटर से सेपरेट होके ये बाहर निकलेगा, ठीक। तो ये आपका सबसे पहले कहाँ आता है, प्राइमरी सुपर हीटर, ठीक। सुपर हीटर का क्या काम होता है, सुपर हीटर का ये काम होता है कि मतलब स्टीम में मतलब डिग्री ऑफ सुपर हीट ऐड करता है, ठीक है, मतलब उसको मतलब जो वेट स्टीम है उसको ड्राई सेचूरेटेड स्टीम बनाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर रहता है प्राइमरी सुपर हीटर के इनलेट पे, वो अराउंड मान लीजिए 310 डिग्री सी रहेगा, ठीक। 310 से आपका जो इसका आउटलेट होगा वो अराउंड मान लीजिए 40 से 50 डिग्री बढ़ाएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए इधर में आपका आएगा 360 डिग्री, ठीक, आपका प्राइमरी सुपर हीटर का आउटलेट, प्राइमरी सुपर हीटर का आउटलेट कितना आएगा, 360। इसके बाद ये किस में जाता है आपका, सेकेंडरी सुपर हीटर में, तो सेकेंडरी सुपर हीटर का इनलेट तो वही रहेगा 360। तो ये यहाँ से कितना सेकेंडरी सुपर हीटर कितना इंक्रीज़ करेगा, ये आपका 80 से 90 डिग्री इंक्रीज़ करता है, ठीक। मान लीजिए 100 तक कर देता है, 100 भी हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 360 से कितना हो जाएगा आपका, 460 डिग्री से, ठीक, 460 डिग्री से, ओके। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक अटेम्परेशन की लाइन दी होती है, ठीक, अटेम्परेशन
ये होता है आपका बीएफपी आउटलेट से लेता है पानी, ठीक, और इसमें एक ये टीसी भी लगा होता है, ठीक, टेम्परेचर कंट्रोल वाला, ओके। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक। जब आपका टेम्परेचर जो है बियॉन्ड द लिमिट जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये बीएफपी से पानी लेके वहाँ पे स्प्रे मारेगा, स्प्रे मार के क्या करेगा, उसको जो स्टीम का टेम्परेचर उसको कम करेगा, ठीक। ये जो टीसी भी है इसको आप ऑटो में भी डाल सकते हैं सेट पॉइंट देके कि हमें भाई, मतलब आप मान लीजिए इसको सेट पॉइंट दे देंगे कि हमें 400 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक। ये क्या करेगा, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ 460 है, ठीक, तो ये तब तक स्प्रे मारेगा जब तक कि मान लीजिए आपने जो वो दिया, मतलब सेट पॉइंट दिया कि इसके इसका इस मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपको 400 चाहिए, ठीक ना। तो वो क्या करेगा कि तब तक स्प्रे मारता रहेगा जब तक यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो 400 ना आ जाए, जैसे 400 आएगा वो स्प्रे मारना बंद कर देगा, ठीक। तो ये तो काम होता है आपका टेम्परेचर का, ठीक। उसके बाद क्या होता है, स्टीम कहाँ जाती है आपकी, इनबेड सुपर हीटर, ठीक। इनबेड सुपर हीटर क्या होता है कि ये नॉर्मली आपका AFDC में ही रहता है। इनबेड सुपर हीटर आपका फर्नेस में जो बेड होता है ना, बेड में लगा रहता है, ठीक है, बेड में, तो बेड में इनबेड सुपर हीटर होता है, तो वहाँ पे जाता है, मतलब आपका जो स्टीम सेकेंडरी सुपर हीटर से कहाँ जाएगा, इनबेड सुपर हीटर में, अगेन वहाँ पे आपका इसका अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो आपका मान लीजिए 500 तक होता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर ये टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है, तो अगेन आपको हम उसको इनबेड सुपर हीटर में इंक्रीज़ करवाते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये आपका टरबाइन के लिए चला जाता है। टरबाइन में क्या होता है, एक तो हमारा MSSB होता है, ठीक, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, क्या होता है, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, ठीक, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, और ये उसका एक बाईपास है। बाईपास का यूज़ क्या होता है कि क्या होता है कि हम मतलब तुरंत हम 500 डिग्री सी का टेम्परेचर का स्टीम तो दे नहीं सकते टरबाइन में, और उसके पहले जो लाइन है उसको गर्म करने के लिए क्या होता है कि हम पहले थोड़ा सा बाईपास खोलते हैं और धीरे धीरे उसका वार्मिंग करते हैं, ठीक ना। वार्मिंग करने के बाद क्या होता है कि हम फिर बाईपास मतलब MSSB भी धीरे धीरे खोलते हैं और बाईपास बंद कर देते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए डायरेक्टली हम क्या करें कि बाईपास ना खोल के MSSB खोल दें, तो डायरेक्ट क्या होगा, 500 डिग्री का टेम्परेचर का स्टीम जाएगा, जो कि हमारे जो लाइन है उसको वो डैमेज कर सकता है, ठीक। तो ये था दोस्तों वीडियो आपका वाटर स्टीम सिस्टम का। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।